जांजगीर चांपा के सलखन की सरकारी शाला में फीस का काला कारोबार इन दिनों खूब फल फूल रहा है। देखिए जांजगीर चांपा से इस पर हमारे ब्यूरो चीफ दीपक यादव की ये खास रिपोर्ट। दरअसल सलखन की सरकारी शाला में हर छात्र से मोटी फीस वसूली जा रही है, जिसका ना तो कोई हिसाब किताब रखा जा रहा है और न ही छात्रों को इसकी कैफियत दी जा रही है। मेरी नाम ऋतु कुमारी रत्नाकर है। मैं ग्राम सलखन की स्कूल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सलखन में पढ़ने आती हूँ। यहाँ कुछ सुविधा से उपलब्ध नहीं है कि यहाँ बाथरूम का सुविधा नहीं है और क्लास में जो है पढ़ने आते हैं उसमें पंखा का सुविधा नहीं है। यहाँ के जो प्राचार्य मैम है यहाँ कुछ सुविधा नहीं कर रहे हैं। 950 रुपये लिए हैं, जो फीस 415 रुपये लिए जाते हैं उसको 950 रुपये लिए हैं और यहाँ जो भी पैसे लिए हैं उसका रसीद नहीं मिला है, एक भी नहीं मिला है। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार बघेल है, मैं अब ग्राम बरमाठा से हूँ और सलखन में पढ़ता हूँ। और यहाँ ना मतलब खेल कूद के लिए पैसे लिए हैं और खेल के लिए कुछ सामान मतलब उपलब्ध नहीं है और पैसे मांगते हैं, थोड़े हो जाते हैं तो ऊपर से मतलब पैसा और लेते हैं। और पंखा जो पैसा दिए हैं ना 985 रुपया, उसी में से और बोल रहे थे कि पंखा के लिए बोल रहे थे, पंखा मतलब उसी पैसे से आप लोगों को पंखा लगेगा और उसी में जो समिति वाले गुरु जी भेज रहे हैं उसको मिलेंगे पैसे। से हम धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसे जमीनी स्तर के मुद्दों को आपने उठाने का प्रयास किया है। दरअसल बात यूं है कि जो ये सलखन नवागढ़ ब्लॉक में जो ये विद्यालय है, महाविद्यालय है, इसमें लगभग 500 विद्यार्थी आज कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के विद्यार्थी यह आज पढ़ने के लिए अपना एडमिशन कराए हैं। और एडमिशन कराने के बाद जो है इन बच्चों से कुल फीस जो लिया गया है, किसी बच्चे से क्लास अनुपात पे, सब्जेक्ट अनुपात पे हाईएस्ट फीस जो लिया गया है 985 रुपये लिया गया है। और जब हमने इसकी तय तक जानने का जब प्रयास किया कि आखिर शासन के द्वारा इतना भारी फीस जो पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ सलखन स्कूल संस्था में लिया जा रहा है, जो फीस है, जो एक्चुअल जो फीस है वो 415 से 420 रुपए का फीस है। इसके अलावा जो अतिरिक्त फीस है वो फीस यहाँ पानी के लिए, बिजली के लिए, सुरक्षा के लिए, अतिरिक्त शिक्षक के लिए, साफ सफाई के लिए, इन तमाम सारी चीज़ों के लिए छोटे छोटे टुकड़ियों में लिया जा रहा है।